अभी एक महाकाल घोटाले पे भी, मतलब धर्म की बात है तो महाकाल घोटाला हुआ क्या, मतलब जो मूर्तियां थी कांग्रेस कह रही है ऐसा मेरा, मैंने इस पे सर्वे किया ना, जांच ना देखा मैंने कुछ, तो क्या कांग्रेस महाकाल घोटाला हुआ है क्या है? तो घोटाला जग जाहिर है, घोटाला इसलिए भी जग जाहिर है अगर आपने हमारे प्रवक्ता के मिश्रा जी की जो हाई कोर्ट के अंदर पिटीशन थी जो परसों खारिज हुई, कल ही खारिज हुई माफ कीजिए, उसमें ये कहा कि लोकायुक्त में ऑलरेडी प्रकरण चल रहा है, अतः इसको अलग से हाईकोर्ट पे चलाने की जरूरत नहीं है, अगर आपके पास में कोई अन्य बिंदु है तब लोकायुक्त जा सकते हैं। अब लोकायुक्त में ऑलरेडी प्रकरण है, मोदी जी ने जब महाकाल महालोक का शुभारंभ किया महालोक का, उसके एक महीने बाद 21 अक्टूबर को लोकायुक्त ने 15 अफसरों को बयान के लिए नोटिस दिया कि महाकाल महालोक में जो टेंडर निकला उस टेंडर के विपरीत काम हुआ, टेंडर की राशि बढ़ाई गई, टेंडर में वर्क स्कोप चेंज किया गया कि मुझे ये लगाना था तो ये लगवा दिया गया, मुझे पत्रे अगर स्टील के लगवाए थे तो उसकी जगह सीमेंट के पत्रे लगवा दिए गए, तो आपने वर्क स्कोप को चेंज किया, और उसके बाद में आपने मूर्तियों के कल्चर को चेंज किया, बिल्कुल मूर्ति मतलब जैसे मेटल के बननी थी, मिक्स मेटल की बननी थी, तो आपने उस मूर्ति को कहा, और आप अभी वहां के प्रभारी ने कलेक्टर ने भी बयान दिया, प्रभारी ने दिया कि मूर्ति 10 साल के लिए थी, तो क्या 10 साल बाद मूर्ति बदलते हैं? मूर्ति को बदलती है क्या? नहीं बदलती, क्या भगवान की मूर्ति 10 साल में बदलते हैं क्या? जो स्थापित होगी स्थापित होगी, उसमें जांच पाया। अभी आप देखिए इसकी नोडल एजेंसी है उज्जैन विकास प्राधिकरण जी, उज्जैन विकास प्राधिकरण को उसने लोकायुक्त 3 बार चिट्ठी लिखी, 1 अक्टूबर में, 1 नवंबर में, 1 फरवरी में, कि आप दस्तावेज दें बाप, ये 1 अक्टूबर में, 1 फरवरी में, कभी उसने दस्तावेज दे दिया। अभी 15 दिन पहले जब लोकायुक्त उज्जैन के अंदर आई तो उसने अपने अधिकारियों को आदेश दिया कि अगर 3 दिन के अंदर उज्जैन विकास प्राधिकरण दस्तावेज नहीं दे तो छापा मारकर दस्तावेज जब्त कर लिया जाए। आप दस्तावेज को छिपा रहे, आप बताते तो नहीं टेंडर में क्या था, जब जाहिर करते ना भाई, आपको किसने रोका भाई? मेरे को भी जानने का अधिकार है ना, पैसा तो हमारा है ना, हमारा है, हमने टैक्स से पैसा दिया, वो पैसा लगाया ना आपने 385 करोड़ जी, इसने घर से थोड़ी लगाया, बिल्कुल आप उसको क्यों दे रहे? तो ये आप क्यों दस्तावेज छिपा रहे, क्यों दस्तावेज दे? और लोकायुक्त को ये क्यों कहना पड़ा कि अगर दस्तावेज नहीं दे तो उज्जैन विकास प्राधिकरण के कार्यालय पर छापा मार कर दस्तावेज जब्त करना चाहिए। बड़ी शर्म की बात, एक सरकार के लिए क्या हो सकता है, बिल्कुल धर्म को भी छोड़ और पैसे। आप महाकालों का घोटाला एक ये हुआ, एक महाकाल के अंदर जो पैसा आ रहा है चढ़ावे का, वो भक्त लोग गरीब लोग दूर दूर से आके पैसा जब दे रहे भगवान को दान कर, उस धर्म के दान के पैसे का स्पष्ट लिखा तो पैसा धार्मिक क्रिया में खर्च होगा। आपने 89 लाख यानी 1 करोड़ रुपया पूर्व राष्ट्रपति रामनाथ कोविंद की यात्रा पर खर्च कर दिया, विधानसभा में जवाब दिया आपने, विधानसभा में जवाब दिया 89 लाख बने 1 करोड़ लगभग, तो आप कितना दुरुपयोग कर रहे हो? अब इससे बड़ा क्या आरोप हो सरकार के ऊपर लगा है कि आप धर्म को सिर्फ यूज करते हो नहीं तो उसकी तरह, वो तो वोट के लिए, धर्म के प्रति आपकी कोई श्रद्धा नहीं, कोई सहानुभूति नहीं, धर्म को धंधा बनाया जा रहा है। मैं अभी महाकाल लोक रिसेंटली गया था तो उधर चढ़ावे के लिए पैसे लग रहे थे, मतलब भगवान से, भगवान से मिलने के लिए पैसे कब लगे कहां लगे वो तो लूटे वो पूरे, ये मतलब ये तो सोचिए हमें समझ में नहीं पड़ा कि भगवान के मिलने के लिए 500 से लेकर 1500 रुपए तक आप लेक्चर दे रहे हो और आपकी इनकम है ऐसा नहीं। जब ये पैसे नहीं देते थे तब महाकाल लोक की सालाना इनकम मतलब खर्चा काटने के बाद 150 करोड़ थी जी। आप 150 करोड़ कमा रहे हो, अब ये दुकान थोड़ी है कोई, ये कोई व्यापारी की दुकान है कि नहीं साहब ये इनकम कम है मेरे को अपना प्रॉफिट बढ़ाना है वो पैसा, ये कोई बात हुई? जब ऑलरेडी महाकाल लोक महाकाल महाकालेश्वर बंदे अपने चढ़ावे से मिलने वाली दान राशि से मैनेज हो रहा था, उसकी सारी एक्टिविटी हो रही थी, किसी एक्टिविटी में कोई कमी नहीं हो रही थी, चाहे शंकराचार्य जी का जन्मदिन हो, किसी शंकराचार्य जी के प्रवचन करवाने हो, कहीं कोई यात्रा निकालने हो, कहीं महाकाल का नगर भ्रमण करना हो, वो सारे पैसे आपके दान के पैसे से हो रहे थे। तो आपको सरकार से आज तक एक भी अनुदान नहीं मिला, उसके बाद इतना विकास हुआ तो फिर आपको ये पैसे लेने की आवश्यकता क्यों महसूस हुई? क्यों? क्या व्यापार करना चाहते हो? धर्म को धंधा बनाना, व्यापार आप व्यापार में कर, व्यापार में कर रहे हो, आप भक्तों को लूटे, आप बेरोजगारों को लूटे। अरे व्यापक के बेरोजगारों से मिले पैसे में से 41 करोड़ रुपया आपने RGPV को दे दिया दान में, अनुदान में,
आर्थिक राजीव गांधी प्रौद्योगिक विश्वविद्यालय जिसके अंदर 2,00,000 सदस्य है और जिसकी करोड़ों की इनकम है, जिसके 800 करोड़ की एफडी, उसको आपने दान में दे दिए बेरोजगारों से फीस के लिए पैसे। आप सरकार चला रहे हो, सर्कस चला रहे हो। सर मैं आपकी व्यक्तिगत बात करूं कि आप, मतलब मुझे नहीं लगता कि कोई या कांग्रेस पार्टी में, बीजेपी में, आप में, बीएसपी में, किसी पार्टी में कि किसी ने स्टूडेंटों के हित के लिए इतनी आवाज उठाई हो, चाहे बुक के माध्यम से हो, चाहे कोर्ट में केस करके किसी भी प्रकार से। तो आपने शिक्षा और राजनीति दोनों को लेकर चल रहे हैं, तो आपको इस सब चीजों में दिक्कतें आई हैं क्या? दिक्कत तो आती है क्योंकि दोनों में थोड़ा सा सोच बनता है, बनता है। शिक्षा एक बहुत ही शुद्ध और सुलझे हुए समाज के निर्माण के लिए जरूर की मूल भावना को लेकर होती है, और राजनीति में थोड़ा सा समझौतेवाद होता है। बिल्कुल। तो दोनों के बीच में थोड़ी सी टकराहट होती है, लेकिन उस टकराहट के बीच भी हम एक अच्छे समाज की रचना कर सकते हैं, और वो तभी हो सकती है जब हम शिक्षा को पूर्णतः स्वस्थ रखें, उसमें राजनीति निकला है। आपने धर्म में राजनीति बताई, धर्म गिरा। आपने शिक्षा में राजनीति बताई, भगवाकरण किया, नुकसान हुआ। आप शिक्षा को हम जितना शुद्ध करेंगे, जितना स्वतंत्र करेंगे, और हमारे शिक्षा के जितने भी एंगल है उनको जातिवाद, धर्मवाद, सत्तावाद से दूर रखकर हम चलाएंगे, तो एक अच्छे समाज का निर्माण होगा। और जब तक ये नहीं करेंगे, टकराहट रहेगी, चाहे कोई भी पार्टी रहे, उसको इस टकराहट को फेस करना। अब प्रश्न ये है, कौन कितना प्योरिटी से उसमें रिजल्ट दे सकता है? वो घाल मिल तो सब करेंगे, कांग्रेस भी आई तो घाल मिल करेगी, कम करे तो अच्छा है, आटे में नमक चले तो अच्छा है। अभी तो बीच में नमक में आटा डाल दिए, वो तो कहेंगे भगवा कारण करेंगे, डॉक्टर को भागवत गीता पढ़ाएंगे। अरे वो डॉक्टर को भागवत गीता पढ़ाएंगे, इसका मतलब डॉक्टर भी भागवत गीता नहीं पढ़ रहा है? आप आरोप लगा रहे हैं। अरे हर हिंदू भागवत गीता पढ़ रहा है, रामायण पढ़ रहा है, महाभारत पढ़ रहा है, आप उसको अपमानित कर रहे हो, उसके उसके घर को बदनाम कर रहे हो, वहां घर में भागवत गीता रामायण नहीं पढ़ रही है? अरे हम पढ़ रहे हैं, सदियों से पढ़ रहे हैं, क्या पढ़ाएगी बीजेपी हमको? भागवत गीता रामायण महाभारत? कितने आप तक कितनी हल्की बातें करते हो। आपका एक कोचिंग सेंटर था युवा, मतलब अभी भी चल रहा है, लेकिन जो पहले जिस इसकी चर्चाएं थी अब वो धीरे धीरे कम होती जा रही, तो क्या कोचिंग माफियाओं से ये सब दबाव बन रहा है क्या? देखिए गरीब बच्चे बढ़ पाते थे उसमें, कोचिंग में देखिए जहां जहां लाभ होगा वहां माफिया होगा। बिल्कुल, सरकार की जिम्मेदारी के लाभ का दुष्ट होगा सरकार। ये सिर्फ कोचिंग लाइन में नहीं, कोचिंग तो जैसे सर्विस सेक्टर, इसका जो प्रोडक्शन सेक्टर उसमें भी हालत है। ग्लूकोज की बॉटल 15 से 20 में बनकर तैयार हो जाती है, उस पर रेट लिखे तो 260 रुपये, तो ये लूट है। तो जहां अब ये सरकार की जिम्मेदारी है कि कोचिंग इसलिए जरूरी हो गई कि जब तक शिक्षा में जो व्यापार जब से आया, निजी विद्यालय और महाविद्यालय जब से खुलने शुरू हुए, आप ये सोचिए कि बच्चा 10,000 रुपये महीने की फीस देके किसी बड़े स्कूल में पढ़ा, बड़ा स्कूल, उसके बाद भी ट्यूशन करा, उसके बाद ट्यूशन करा, और सरकारी स्कूल पढ़े और ट्यूशन नहीं करा, जब रिजल्ट आता तो लगता है सरकारी स्कूल वाला सिलेक्ट हो गया, सिलेक्ट हो गया वो नहीं पढ़ा। तो ये जो हुआ है उसके कारण कोचिंग क्लास की दुकानें चली, और उसमें कोचिंग क्लास की दुकानों में बहुत नजर आते हैं, इसमें परीक्षा ऑर्गेनाइज करने वाली गवर्नमेंट एजेंसी या गवर्नमेंट का बहुत बड़ा हाथ है। कोचिंग क्लास की आवश्यकता के अनुसार के बच्चे कोचिंग में आए, पेपर को उसके बाद सेट करते, और ये यूपीएससी में भी है, ये सिर्फ हमारी छोटी बहन की या रेलवे की परीक्षा के बेहतर बैठ के लोगों से डिस्कस करें, नो मैं कह सकता कि यूपीएससी का जो सिलेक्शन पैटर्न इतना घटिया है, और वो जो क्वेश्चन बनाए गए वो सारे के सारे कोचिंग क्लास की दुकान चलाने के हिसाब से बनाए गए, उसमें सही सिलेक्ट चयन के लिए कोई प्रक्रिया नहीं, कोई चयन की प्रक्रिया नहीं, सही चयन सारी सारी। और अभी विद्वानों ने कहा कि सी सेट को बदलना चाहिए, सी सेट अभी 15 दिन पहले का बयान है बड़े लोगों का, और ये हर परीक्षा में, चाहे गेट की परीक्षा को ले ले आप, चाहे डबल एओ की परीक्षा, चाहे बैंक पीओ की परीक्षा है, आरबीआई की परीक्षा है, जो बड़ी बड़ी नाम की गिरावी परीक्षा देश की है, उन किसी भी परीक्षा को ले ले, नीट को ले ले, जी को ले ले, सिलेक्शन वाली की किसी को भी ले ले, अपन एक क्लेट ले ले अल्लाह के लिए, सारी परीक्षा के पेपर उस गेम के हिसाब से बनते हैं, एक गेम नेक्सस काम करना बड़े लेवल पे, और उसमें बड़ी क्योंकि सर्विस उद्योग में भ्रष्टाचार करने में पकड़ने की संभावना बहुत कम रही थी, और भ्रष्टाचार बड़े स्केल पर होता है, बड़े स्केल, तो बड़े स्केल पर जो भ्रष्टाचार होता है तो इसलिए पेपर रखा होता है।
वो तो रैंक खरीदी ही जाती है। मैंने देखा था, मतलब सोशल मीडिया में चलता है, एक टॉपर यदि आता है आईआईटी से तो ये कोचिंग सेंटर भी दावा करती है हमारे यहाँ से टॉप किया, ये कोचिंग सेंटर भी दावा करती है हमारे यहाँ से टॉप किया। आपने इतना सही प्रश्न किया, मैंने अभी ये 8 दिन पहले कटाया जी, बिल्कुल आईआईटी का जी, मैंने पूरे 10-15 दिन तक जितने भी उसके रिजल्ट के लोग हटे सबके अच्छे किया, एक एक आदमी 3-3 5-5 जगह सिलेक्शन का आपने दावा कर रहा, उसके बिल्कुल क्लासरूम रजिस्ट्रेशन नंबर और डिस्टेंस रजिस्ट्रेशन नंबर सब दिया, ये दोष किसका, कोचिंग क्लास का, ये उसके परिवार का है जो पैसे में बिखरा है। आईआईटी का टॉपर, मैंने कहा अच्छे लड़के सिलेक्ट नहीं हो रहा है, यूपीएससी का टॉपर, आईआईटी का टॉपर अगर कुछ पैसे के लालच में ईमान बेच रहा है और आने वाली पीढ़ी को भ्रमित करने के लिए कोचिंग क्लास की दुकानें चला रहा है, तो उससे बड़ी शर्म की बात क्या, वो आगे चल के क्या देश का भला करेगा, क्या समाज का भला करेगा, क्या विकास करेगा देश का, पैसे में बिखरा 3 जगह तेरा फोटो से शर्म दिया है तुम्हारा को। अरे वो तो धंधा करने निकले कोचिंग क्लास वाले, तो 10 धंधा करेंगे, वो तो सबको खरीदेंगे, वो तेने हाँ बोली ना तेरा फोटो छपा, तेने लिख के दिया ना, क्या मेरा फोटो छापो ना मैं तुम्हारी क्लास में पढ़ाऊं, बिल्कुल, और उसके बदले पैसे ले ले, देश चलाई गई है, बहुत निंदनीय है। सर अंतिम क्वेश्चन है, आपका ओपिनियन, पर्सनल ओपिनियन जानना चाहता हूं, छात्रों को राजनीति में आना चाहिए या नहीं? आना चाहिए अपनी अपनी शिक्षा का कैरियर के एक मुकाम पर लाने के बाद, ठीक है, कोई भी काम में हमेशा मेरी कई कक्षाओं में बम्बई दिल्ली की कई यूनिवर्सिटी के लेक्चर भी बोलता हूँ मैं कि जैसे शिक्षा शिक्षा भोजन मस्तिष्क ऐसे शरीर का भोजन होता है, तो शरीर के भोजन के भी समय और मापदंड तय है। आपको जब चाय पीना तब चाय पिएगा, जब भोजन करने तब भोजन करेगा, जब पानी पीना पानी पिएगा, ऐसा ही शिक्षा के लिए मस्तिष्क को मिलने वाले भोजन के डिमांड। आप जब विद्यार्थी है तो आपका सारा ध्यान विद्या पे होना चाहिए। मैं जब यूरोप के टूर पे गया सरकार की ओर से और 25 दिन रहा मैं, 15 राष्ट्रों में घूमा, मैंने कई यूनिवर्सिटी में वहां लेक्चर दिए यूरोप के अंदर, मुझे बुलाया गया एज ए गेस्ट इंडियन, भाई आते इंडियन स्टूडेंट है तो इंडियन गेस्ट बुलाया, तो मैंने महाभारत की कहानी की और मैं संक्षेप में कहूँ भाई अर्जुन ने कहा था मुझे आग दिख रही है, युधिष्ठिर भीम नकुल सहदेव का सब दिख रहा है, सिलेक्ट अर्जुन हुआ, अर्जुन के झूठ बोलना था, सच कैसे हो सकता, चाल में 2 फीट दूर खड़ा गुरु नहीं दिखे उसे, पहाड़ जैसा भीम नहीं दिखे, और 10 फीट दूर व्यवहारिक था आध्यात्मिकता ये प्रश्न था, तो ये प्रश्न बड़ी शिक्षा है, इस पर तो 2-2 घंटे का लेक्चर दे सकता हूँ और दिए मेरा। तो ये विद्यार्थी को जब तक अपना कैरियर की लाइन ना बने तब तक तो उसे शिक्षा पे ध्यान देना चाहिए, और जब कैरियर की लाइन बने और उसकी राजनीति में शौक हो तो उसको ताकत से राजनीति आना चाहिए। राजनीति इससे मैंने आपके कैरियर के आपके ज्ञान के उपयोग का सबसे अच्छा मंच है, इस पर आना चाहिए। सर ये मेरा व्यक्तिगत क्वेश्चन है, बहुत विवादित है, मैं जब भी सोशल मीडिया को स्क्रोल करता हूँ तो पाता हूँ कि दो जात, एक ब्राह्मण और एक SC ST भीम, ये उनको मनुवादी कहते, ये उनको मनुवादी कहते हैं, ये उनको भीमटा कहते हैं। अच्छा मैं ब्राह्मण हूं, जब एक दूसरे को गाली देते हैं तो मतलब ये ऐसा नहीं है कोई, मतलब एक व्यक्ति शांत है, दोनों एक दूसरे को गाली देते हैं, तो कहीं ना कहीं मेरे अंदर मन में विचार आ ही जाता है कि ये मेरे समाज को गाली दे रहे हैं, मेरी जाति को गाली दे रहे हैं, तो मुझे बोलना चाहिए, तो हम लोग कैसे बचे, मतलब क्या ये खत्म होगा एक समय पे कि नहीं खत्म होगा? ये खत्म नहीं होगा, ये खत्म नहीं होगा, ये परंपरा चलेगी, क्योंकि जो मूल्यों में गिरावट हो रही है वो इन परंपरा को ताकत देती है। तो मैं अपने आप को व्यक्तिगत कैसे रोक पाऊंगा जी? अपन बच सकते, ऐसा नहीं कहीं, देखिए समाज में बुराई तो हर जमाने में रही, राम के जमाने में रही, महाभारत में रही, महाभारत काल के आप द्रौपदी कांड ये कांड नहीं देखते क्या, सीता के साथ क्या हुआ आप नहीं देखते क्या, महावीर के जमाने में रही, बुद्ध के जमाने में रही, सबके जमाने में बुराई रहेगी, बुराई से बुराई को आप कम ज्यादा हो सकती है उसकी ग्रेविटी, उसका परसेंटेज कम ज्यादा, लेकिन आप उसको ये अभी वर्तमान जो मैंने कहा सोशल मीडिया डिस्टर्ब हो गया, मैंने आपसे कहा ये उसके परिणाम है कि वो गाली दे रहा है, वो ये दे रहा है, और ये बढ़ेगा, ये बढ़ने ही वाले कब, हमें उसके लिए अपने को संतुलित रखना पड़ेगा, और उसके संतुलित के लिए हमको वैचारिक रूप से साहित्य से जोड़ना पड़ेगा। मैं तकलीफ क्या है, साहित्य से दूर हो रहे हैं, हमें अच्छे साहित्य का अध्ययन करना पड़ेगा, और जब आपके पास अच्छा साहित्य होता है
अच्छे विचार होते हैं तब आप इन चीजों से प्रभावित होते हैं। एक बार हमारे जैन समाज के बड़े संत थे आचार्य नाना लाल जी महासाम जी, मैंने उनसे प्रश्न किया, गुरुदेव आपके सामने लोग आपकी प्रशंसा में गीत गा रहे, भजन गा रहे, नृत्य कर रहे, तो उस वक्त आपके मन में क्या प्रतिक्रिया होती? तो उन्होंने कहा कि हमारी प्रशंसा के तक जब तक तो लोग जो भी कर रहे हैं हम उस वक्त उस पर ध्यान देते, हम अपने ध्यान में मस्त रहते। तो जो प्रशंसा पे ध्यान देते तो आलोचना पे ध्यान देते।